कड़वा है मगर सत्य है। नंबर वन, बड़ा सा महल हो या छोटी सी झोपड़ी, जहाँ शांति और सुकून मिले उसी को घर कहते हैं। नंबर टू, वक्त दिया करो अपने चाहने वालों को, किसी और ने दिया तो बहुत पछताओगे। नंबर थ्री, जिंदगी में ऐसे लोगों को जोड़ें जो बुरा वक्त आने पर आपकी परछाई और सही वक्त आने पर आपका आईना बन सके, क्योंकि आईना कभी झूठ नहीं बोलता और परछाई कभी साथ नहीं छोड़ती। नंबर फोर, अधिकतर पुरुष जिस परिचित देह से प्रेम करता है, उस देह के मिलते ही वह उस देह से अपरिचित सा हो जाता है। कड़वा है मगर सत्य है। नंबर फाइव, अकड़ तो सब में होती है, पर झुकता वही है जिसे रिश्तों की फिक्र होती है। नंबर सिक्स, खुद की समझदारी ही मायने रखती है, वरना अर्जुन और दुर्योधन के गुरु एक ही थे। नंबर सेवन, पापों की सजा विकलांग होती है, धीरे धीरे चलती है मगर मिलती जरूर है। नंबर एट, जब गिराने वाले अपने ही हो तो संभलने में बहुत वक्त लगता है। नंबर नाइन, यदि कोई व्यक्ति सदैव आपके साथ खड़ा रहा, सदैव आपकी सहायता की, अगर आप उसके साथ छल करोगे तो आपका पतन निश्चित है। नंबर टेन, एक बात याद रखना, वह कल कभी नहीं आएगा जिसके भरोसे आप बैठे हो। नंबर अलेवन, मर्द सिर्फ दिल तोड़ते हैं, लेकिन स्त्री रूह तक को बर्बाद करने की ताकत रखती है। नंबर ट्वेल्व, सबकी अपनी पसंद होती है, रुकने वाला वजह ढूंढता है और जाने वाला बहाने। नंबर थर्टीन, जो लोग आपसे जलते हैं उन लोगों से नफरत कभी मत करना, क्योंकि यही तो वह लोग हैं जो यह समझते हैं कि आप उनसे बेहतर हैं। नंबर फोर्टीन, एक बात हमेशा याद रखना, जो आपको इग्नोर करे तो दोबारा उसे डिस्टर्ब मत करना। नंबर फिफ्टीन, किसी दूसरे के कहने पर किसी इंसान के चरित्र पर उंगली मत उठाना, क्योंकि वह यह घटना तुम्हारे साथ भी कर सकता है। नंबर सिक्सटीन, किसने कहा तू अकेला है, आईने में जाकर देख, दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान तेरे सामने खड़ा है। नंबर सेवनटीन, आदमी वह खतरनाक नहीं जो ऊंचा बोलता है, खतरनाक तो वह है जो कानों में बोलता है। कड़वा है पर सत्य है। नंबर 18, जिंदगी में जैसे जैसे आगे बढ़ोगे, माँ बाप की कही हर बात सच होती नजर आएगी। नंबर 19, लोगों से रिश्ते निभाकर बस एक ही बात सीखी है, किसी को हद से ज्यादा फिक्र करोगे तो वह इंसान तुम्हें रद्दी के भाव समझेगा। नंबर 20, जिस पर आंख बंद करके यकीन कर लो, वो तो यह साबित कर ही देते हैं कि हम सच में अंधे ही हैं। नंबर 21, आप किसी इंसान के लिए तब तक अच्छे हैं जब तक आप उसकी इच्छा अनुसार कार्य करते रहें। नंबर 22, कुछ नियम खुद के भी होने चाहिए जिंदगी में, क्योंकि जो अपने लिए नियम नहीं बनाता उसे दूसरों के नियमों पर चलना पड़ता है। नंबर 23, समझ नहीं आता जिंदगी तेरा फैसला, एक तरफ तो कहती है सब्र का फल मीठा होता है और दूसरी तरफ कहती है वक्त किसी का इंतजार नहीं करता। नंबर 24, एक सुकून की तलाश में जाने कितनी बेचैनियां पाल ली, और लोग कहते हैं कि हम बड़े हो गए, हमने जिंदगी संभाल ली। नंबर 25, झूठे व्यक्ति से लोग उसी प्रकार डरते हैं जैसे जहरीले सांप से। नंबर 26, अक्सर अकेलेपन से वही गुजरता है जो जिंदगी में सही फैसले को चुनता है। नंबर 27, यही दुनिया के रंग हैं, हर सुनी सुनाई बात पर यकीन मत कीजिए, या कहानी के हमेशा तीन पहलू होते हैं, आपका, उनका और सच। नंबर 28,
कड़वा सत्य, मर्द अपनी पसंदीदा औरत को अपनी गलतियों से खोता है। नंबर 29, एक जीत किसी को राजा नहीं बनाती और एक हार किसी को रंक नहीं बना देती, कड़वा है लेकिन सत्य है। नंबर 30, कर्म पर विश्वास करते हो तो कभी किसी के साथ छल धोखा मत करना, क्योंकि एक दिन आपका किया हुआ किसी न किसी रूप में आपके पास लौट कर आएगा। नंबर 31, मन एक ऐसी जमीन है जहां आप जैसी मानसिकता का बीज बोएंगे आपको वैसा ही फल प्राप्त होगा। नंबर 32, सब्त चाबियों की तरह है, यदि आप उन्हें सही ढंग से चूमते हैं वह किसी का भी दिल खोल सकते हैं और किसी का भी मुंह बंद कर सकते हैं। नंबर 33, देखकर परेशान हूँ रिवाज दुनिया का, अब झूठ बोलकर भी लोग शर्मिंदा नहीं होते। नंबर 34, दिल के रिश्ते खून के रिश्ते से ज्यादा मजबूत होते हैं, जिंदगी कभी कभी यह एहसास करवा ही देती है। नंबर 35, दुख हमारी छठी इंद्री है जो हमारा साक्षात्कार ईश्वर से करवाती है। नंबर 36, भरोसा रखो, जब हम किसी के साथ कुछ अच्छा करते हैं तो हमारे लिए भी कहीं ना कहीं कोई अच्छा कर रहा होता है। नंबर 37, यह दुनिया बहुत जालिम है, आपकी प्रशंसा करके या तो आपको बेच दिया जाएगा या खरीद लिया जाएगा, कड़वा है पर सत्य है। नंबर 38, रिश्ते में भी फर्क होता है साहब, कहीं भावनाओं की जरूरत होती है तो कहीं जरूरत के हिसाब से भावनाएं होती है। नंबर 39, अगर कोई व्यक्ति बार बार आपको सॉरी कहता है या माफी मांगता है तो इसका मतलब यह नहीं है कि वह झुक गया, बल्कि वह अपने रिश्तों को आगे तक ले जाना चाहता है। नंबर 40, जब अपने ही शामिल होते हैं दुश्मनों की चाल में तो फिर शेर भी फंस जाता है कुत्तों के बिछाए जाल में। नंबर 41, जो चालाक बनकर दूसरों के दिल और भावनाओं के साथ खेलते हैं, लेकिन याद रखना एक दिन वह खुद खिलौने बनकर ही रह जाते हैं। नंबर 42, आज का प्रश्न, ईमानदारी से बताना, यदि आपकी औलाद आपके जैसी निकल जाए तो आप खुश होंगे या दुखी? आप हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए इस प्रश्न का उत्तर हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर दें। कुछ लोग वीडियो को इग्नोर कर देते हैं और अपने जीवन से जुड़ी बेहतरीन जानकारियां छोड़ देते हैं। आपसे मेरी प्रार्थना है, मेरा मनोबल बढ़ाने के लिए चैनल को लाइक शेयर जरूर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो हमारे कशिश रियल वॉइस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।